कोरोना के कारण हो रही मृत्यु का संकट जिला के विभिन्न राज्य सहित अलीपुर द्वार में भी फैल रही है। स्वाभाविक है कि इस कठिन समय में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अलीपुर द्वार के मुख्य समाजसेवी व जिला तृणमूल कांग्रेस के महासचिव संजीत धर ने इस संकट से उभरने के लिए विशेष पहल की है। अलीपुर द्वार में स्थित सरकारी ब्लड बैंक में रक्तदान के लिए कुल 50 आम लोग आगे आए हैं। निर्दिष्ट रूप से सभी स्वास्थ्य नियमों को मानते हुए ब्लड लिया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में व्हीलचेयर सहित आम जनता को मास्क सैनिटाइजर दिए गए हैं। अलीपुर द्वार जिला अस्पताल में लंबे समय से ब्लड बैंक में रक्त की कमी रही है। स्वास्थ्य नियमों के तहत टीका लगाने वाले लोग रक्तदान नहीं कर सके। स्वाभाविक रूप से जिला स्वास्थ्य विभाग पर चिंता बनी हुई है। खून की कमी के संकट से बचने के लिए जिला अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीना ने कुछ दिन पहले रक्तदान किया था। आज की स्थिति में लोगों द्वारा विशेष रक्तदान पहल की समाज के विभिन्न वर्गों ने सराहना की है। হচ্ছে বলতে কি এখন তো আপনারা ভালো সবাই অবগত আছেন দীর্ঘদিন ধরে করোনার কারণ তারপরে দু মাসের উপর প্রায় চলছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বিভিন্ন সংগঠনগুলো পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে তারা করতে পারছে না বিভিন্ন কারণে এবং রক্তের চাহিদাও এই সময়টায় সিজনের কারণে তারপরে করোনার কারণেও প্রচুর কিন্তু যোগান একদম নেই সেই কথা মাথায় রেখে আমি যে দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের দলের নেতা নেত্রীরা কর্মীরা সবসময় এই সমাজসেবামূলক কাজ করে মানুষের পাশে থাকে তো সেই উদ্যোগকে সেই আমাদের কর্মীদের সেই উদ্যোগকে মাথায় রেখে এবং রক্তদান করা এই মুহূর্তে বিশেষ জরুরি এই দুটোকে জিনিসকে মাথায় রেখে আমরা রক্তদান করার আজকে একটা চিন্তাভাবনা করি সুপার সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে রক্তদান করি।